एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि इवेंचुअली क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड, यानी आखिर में या अंत में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो, मुझे यकीन है तुम आखिर में मुझे धोखा दोगे, या मुझे यकीन है तुम अंत में मुझे चीट करोगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम श्योर यू विल चीट मी इवेंचुअली, यानी मुझे यकीन है तुम आखिर में मुझे धोखा दोगे या चीट करोगे। अगर आपको कहना हो आखिर में आधी रात के बाद मैं घर पहुंचा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवेंचुअली आफ्टर मिडनाइट आई रीच्ड होम, यानी आखिर में या अंत में आधी रात के बाद मैं घर पहुंचा। अगर आपको कहना हो वह अंत में उस सामान को लौटा दी, या वह आखिर में उस सामान को लौटा दी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी रिटर्न दैट प्रोडक्ट इवेंचुअली, यानी वह आखिर में या अंत में उस सामान को रिटर्न कर दी, या वापस कर दी, या लौटा दी। अगर आपको कहना हो मुझे यकीन है आखिर में ऐसा होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम श्योर इट विल हैपन सो इवेंचुअली, यानी मुझे यकीन है आखिर में ऐसा होगा, या मुझे यकीन है अंत में ऐसा होगा। अगर आपको कहना हो यह प्रॉब्लम आखिर में खुद सही हो जाएगा, या यह प्रॉब्लम अंत में खुद सही हो जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस प्रॉब्लम विल रिसॉल्व इटसेल्फ इवेंचुअली, यानी यह प्रॉब्लम अंत में खुद सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि इवेंचुअली क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्ड इवेंचुअली का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो आपको कॉमा देना होगा, जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। जहां मैंने इवेंचुअली का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया है, वहां मैंने कॉमा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि इवेंचुअली का इस्तेमाल कैसे करना है। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।